फतेहपुर में ईंट भट्टे पर एक दंपति मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के लौकियापुर गांव निवासी महेश उर्फ दूनी 45 वर्षीय व 40 वर्षीय पत्नी सियावती निर्मल श्याम ब्रिक फील्ड ईंट भट्टे में पथाई का काम करते थे। दंपत्ति भट्टे में ही मजदूरों के लिए बनी झोपड़ी में रहते थे। दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों में विवाद हुआ करता था। वहीं शनिवार की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सीओ अनिल कुमार ने बताया कि सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे में काम करने वाले दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। संतान न होने के कारण दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सुल्तानपुर घोष में ऋषि कुमार गुप्ता के ईंट के भट्टे पर काम करने वाले महेश और उसकी पत्नी सिया देवी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे न होने के कारण आपस में इन लोगों का मनमुटाव होता था और इनका झगड़ा हुआ था। इसमें इन लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सुल्तानपुर घोष पर सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर इन दोनों का पंचनामा कराया गया है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। नियम अनुसार आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।